तो नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे तो सोम्या कचनारा और यहाँ पे एक मकान है जो कि एक बाड़े के अंदर एक सांप दिखाई दिया था इनको। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये सांप एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग। ये सांप बहुत ही जहरीला और विषैला सांप होता है। इस सांप के अंदर न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक की मात्रा पाई जाती है, जो कि अगर एक बार किसी को काट ले तो एक घंटे के अंदर मौत की नींद सुला सकता है। ऐसा सांप काटने पर आप सीधा सिविल हॉस्पिटल ही जाएं, झाड़फूँक के चक्कर में ना रहें वरना मारे जाएंगे। वीडियो बनाने का हमारा एक ही मकसद होता है, लोगों तक सांपों की जानकारी पहुँचाना, क्योंकि बिना जहरीले सांपों के डसने से भी लोगों की मौत हो जाती है। तो आप देख सकते हैं इस कोबरा सांप को, छोटा लेकिन बहुत ही डेंजर और ख़तरनाक। इसके गुस्से को देख सकते हैं आप, अपने फन को फैला करके डराना चाह रहा है। आप देख सकते हैं इसको कितना गुस्से में, और शायद इसकी पूंछ भी अंदर फंसी हुई है, तो हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इसको, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग, और हम इसे व्यवस्थित तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। शायद इसकी पूंछ फंसी हुई है और आप इसका गुस्सा भी देख सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली हाथ भी लगाना एक जान जोखिम में डालने के बराबर है, तो हम ऐसा तो नहीं करना चाहेंगे कि इसके मुंह को पकड़े, लेकिन अगर पूंछ दबी हुई है तो हमें इसका हेड कैच करना ही पड़ेगा। हमें इसका मुंह दबा करके इसको पूंछ को बाहर निकालना पड़ेगा, और कोशिश करते हैं इसे कि निकल जाए, लेकिन शायद अंदर दबी हुई है और हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप दोस्तों देख पा रहे हैं इसके गुस्से को। ऐसे सांपों को आप लोग हाथ ना लगाएं और हमारे वीडियो की कॉपी ना करें, और हमें इसका मुंह पकड़ करके इसे निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद अंदर पूंछ ज़्यादा दबी हुई है, और इसे निकाल करके हम इसको अपनी पर्यावरण, अपनी प्रकृति में फिर से छोड़ देंगे। ये काम बहुत ही खतरनाक और डेंजर होता है कि जहरीले सांप के मुंह को पकड़ कर और उस बाहर निकालना। इसमें सांपों को कम, लेकिन हमें ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनके मुंह को पलटाने में कुछ भी देरी नहीं करते ये, और छोटी सी चूक एक मौत की नींद सुला सकती है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको मुंह को पकड़ लिया है, और जल्दी हम इसकी पूंछ को निकाल कर इसे अपनी प्रकृति में छोड़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इसे हमने व्यवस्थित तरीके से निकाल लिया है, और हम इसको व्यवस्थित तरीके से जार में पैक करेंगे, और जल्द ही आप हमला देख सकते हैं इसका। बहुत ही डेंजर और बहुत ही ख़तरनाक, जितना छोटा होता है सांप उतना ही ख़तरनाक होता है। और आप देख सकते हैं इसकी ज़्यादा साइज़ तो नहीं, लेकिन उछल कूद, जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादा उछल कूद करते हैं, और इसकी उछल कूद भी जानलेवा हो सकती है। तो अब जल्दी हम इसको
अपनी प्रकृति में छोड़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पर्यावरण के मित्र हैं और इन्हीं से हमारा पर्यावरण बना हुआ है, और इनका भी रहना बहुत ज़रूरी है हमारे अनुकूलित वातावरण, हमारे पर्यावरण के अंदर। ये नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण भी नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे व्यवस्थित तरीके से जार में डालकर हम इसे व्यवस्थित तरीके से अपनी प्रकृति में छोड़ेंगे। तब तक बने रहें वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।